अजीज तलबा तालबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। क्लास आज जो हमारा टॉपिक है कोडिंग नंबर 34 में, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 34 है, जिसमें हम हुकूक अल इबाद के बारे में पढ़ेंगे। हुकूक अल इबाद का क्या मतलब है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें हुकूक़ अल इबाद की कौन कौन सी सूरतों से ताल्लुक़ रखना पड़ता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ताकीद है, अल्लाह ताला की क्या ताकीद है, इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम हुकूक़ अल इबाद को पढ़ेंगे। तो क्लास चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। यहाँ पे आपके सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है खिदमत खल्क। खल्क है मखलूक की सेंस में है, यानी कि मखलूक की खिदमत। ठीक है, तो अब मखलूक की खिदमत हम कैसे कर सकते हैं, उनके हुकूक पूरे करके, उनका हक अदा करके। क्लास इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में खिदमत खल्क का जो मफहूम है वो हम समझ सकेंगे। इसके बाद जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाली खिदमत खल्क की मुख्तलिफ सूरतें हैं उसके मतलब जान सकेंगे, और खिदमत खल्क की ज़रूरत और अहमियत से आगाह हो सकेंगे। फिर हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिदमत खल्क के वाक़यात जान सकेंगे, दौर हज़र के यानी कि मौजूदा दौर के मसाइल का सामना करते हुए जो हम खिदमत खल्क के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे, और अमली ज़िंदगी में हम खिदमत खल्क की जो है वो सिफ्त को अपना सकेंगे। ये सारा हम मालूमात इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हासिल कर सकेंगे। अच्छा, हम ये भी देखेंगे कि मखलूक के हुकूक में सबसे जो पहला हक है और पहला फ़र्ज़ है, और शिर्क के बाद जो पहला गुनाह करार दिया गया है अल्लाह ताला ने, वो कौन सा हक है जो बंदों का हक है, हम इसके बारे में भी तफसीलन बात करेंगे। क्लास हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट 2.5 लाइन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें इसके मीनिंग की तरफ हमें इशारा किया गया है। मतलब बताया जाएगा कि हुकूक अल इबाद का मतलब है बंदों के हकूक। अब क्लास माशरे में रहते हुए हमें मुख्तलिफ रिश्तों से जो है वो वास्ता पड़ता है, रिश्तेदारियों से, कोई करीबी भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, हमारे घर में भी हैं, तो हर एक रिश्ते से हमारा ताल्लुक है, और इसी ताल्लुक की बुनियाद पर हमें उनके हुकूक भी बताए गए हैं। दीन इस्लाम में जिस तरह अल्लाह ताला के हक़ को पहचानने और अदा करने की तलकीन की गई है, इसी तरह अल्लाह ताला की मखलूक के हकूक़ अदा करने की ताकीद की है। सबसे पहले क्लास हम बात करेंगे कि बंदों के हकूक़ क्यों ज़रूरी हैं। जब कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की तो मखलूक में सबसे ज़्यादा जो फजीलत वाली मखलूक और अशरफ़ल मखलूकात, मखलूक में सबसे अफजल इंसानों को करार दिया गया, चाहे वो किसी भी नस्ल से, मज़हब से, ज़ुबान से, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन वो इंसान हों,
तो वो अशरफ़ अलमखलूक़ात हैं, जिसकी वजह से शऊर होने की वजह से अक़ल की बुनियाद पर। क्लास जब इंसान को तख्लीक़ करने के बारे में अल्लाह ने सोचा तो फ़रिश्तों ने साफ़ इनकार कर दिया कि इंसान जो है वो बड़ा ही नाशुक्रा है और दुनिया में जाकर फसाद बर्पा करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि इंसान में को मैं अपनी इबादत के लिए पैदा कर रहा हूँ और मैं जो वो जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक से बहुत प्यार किया, अपने मखलूक को हर सूरत में माफ़ किया तो जी क्लास, हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला की मखलूक के बारे में, कि अल्लाह ताला की अपनी मखलूक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इस मोहब्बत की खातर अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के कुछ हुकूक भी अदा करने की ताकीद की है, तलकीन की है, और इस तलकीन को कुरान पाक में वाज़े अल्फाज में बयान किया गया है। वो इस सूरत में है। इस बुनियादी बात की तरफ हमें तवज्जो दिलाई गई है। हुकूकुल इबाद का मतलब है बंदों के हुकूक, और हुकूकुल अल्लाह का मतलब है अल्लाह के हुकूक। अल्लाह के हुकूक में नमाज, रोज़ा, कुरान, हज, ज़कात, रोज़ा, ये सब आ जाते हैं, उनको अदा करना। और हुकूकुल इबाद में बंदों के हुकूक, जिसमें वालिदैन के हुकूक सबसे पहले हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में भी पूछ होगी हम सब से। इसी तरह से हमारे ज़रूरतमंदों की जो है वो हुकूक हैं, हमारे असातिज़ा के हुकूक हैं, हमारे जो है वो हमसायों के हुकूक हैं। तो इन सब हुकूक के बारे में अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में ये हमें बस सबको बता दिया है कि जब तक आप अगर किसी इंसान के साथ, किसी अपने रिश्तेदार के साथ बुरा करते हैं तो वो नहीं माफ़ कर देता, तब तक मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। तो इसलिए हुकूकुल इबाद जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर आपके समंदर की झाग जितने गुनाह होंगे तब मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर बंदों के हुकूक वो बंदा नहीं माफ़ करेगा तो मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूंगा। यहाँ पे ब्लू बॉक्स में भी आपके सामने लिखा हुआ कि मखलूक के हुकूक में सबसे पहला हक वालिदैन का है। अब हम हुकूक की फहरिस्त के बारे में तो हमने बात कर ली है। सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है वो हमें ये समझनी है कि सबसे पहला हक जो है वो किसका है और क्यों ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, और वो वालिदैन का हक है। चलें जी क्लास, आगे चलते हैं। जी क्लास, अब हम चलते हैं अपने उस हुकूक की तरफ जिसकी अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़रूरी जिसको करार दिया है। उसमें बंदों के हुकूक अदा करने की एक सूरत खिदमत खल्क भी है। खिदमत खल्क का मतलब है अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात का ख्याल रखना, उनको पूरा करना। इस्लाम में खिदमत खल्क की बहुत अहमियत बयान की गई है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदली वल एहसानी व ईताई ज़िल क़ुरबा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें इंसाफ और एहसान करने और रिश्तेदारों को खर्च से मदद देने का हुक्म देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल हल्क़ु इयालुल्लाह फअहब्बुल हल्क़ि इलल्लाह मन अहसना इला इयालिही। तर्जुमा, सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है, अल्लाह ताला का ख़ानदान है। बस अल्लाह को अपनी सारी मखलूक में से ज़्यादा मोहब्बत उस शख्स से है जो उसके अयाल के साथ अच्छा सलूक करे। तो यहाँ पर हमें ये बात बताई जा रही है क्लास, सूरतुल नहल आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें इंसाफ और एहसान करने और रिश्तेदारों को खर्च से मदद देने का हुक्म देता है। तो क्लास, सबसे पहला रिश्तेदारों का हक ये है कि अगर आप के पास माल और दौलत
रुपया पैसा ज़्यादा है तो आप उसमें से रिश्तेदारों को उनका हक़ दें, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने आपको कुरान पाक में हुक्म दिया है। और एहसान करें उनके ऊपर और इंसाफ से काम लें। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद पाक है कि सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है। कुंबा कहते हैं क्लास, ख़ानदान को, फैमिली को। तो सारी जो मखलूक है वो अल्लाह ताला का। यहाँ पर हमें किसी ज़ुबान, किसी नस्ल, किसी ज़ात से बालातर होकर हम सबको एक ख़ानदान कहा गया है। प्लस सिर्फ हम किस बुनियाद पर कि हम अल्लाह की मखलूक हैं, हम सब इंसान हैं। बस अल्लाह को अपनी सारी मखलूक में से ज़्यादा मोहब्बत उस शख्स से है जो उसके आयाल के साथ, जो उसके बीवी बच्चों के साथ, जो उसकी फैमिली के साथ अच्छा सलूक करे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बात बहुत वाजी हो जाती है कि हमारे ऊपर हुकूकुल इबाद किस कदर जो है वो इसको अदा करना कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारे ऊपर, क्योंकि इसके बारे में हमसे पूछ होगी। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ कर देंगे, अल्लाह के हुकूक में क्या चीज़ आती है? अल्लाह की इबादत आती हैं। मिसाल के तौर पर नमाज, रोज़ा, कुरान पाक की तलावत करना, हज अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। अगर इसमें से हम कोई कोताही कर भी लेते हैं तो ये इंसान बंदे का और अल्लाह का मामला है। बट अगर हम अल्लाह के बंदों के हुकूक में कोई कोताही करेंगे तो वो जब तक बंदा हमें माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेंगे। चलें जी क्लास, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसमें हमें एक और अच्छे जो है वो पॉइंट की तरफ लेके जाया जा रहा है। हम देखते हैं कि वो क्या पॉइंट है। क्लास, अब देखें अल्लाह ताला सुबहान ताला की कायनात में बहुत सारी मखलूकात हैं, इंसान हैं, हवान हैं, चिरिंद परिंद, खुश्की की पर रहने वाली, पानी में रहने वाली। तो इसी तरह से जिस तरह इंसानों से उसने सलूक करने की ताकीद की, उसने सलूक क्या है? अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव, अच्छा रवैया रखना, अपने मामलात में तवाज़न पैदा करना, मियाना रवी इख्तियार करना, दरमियाना रास्ता इख्तियार करना, जिससे हमारा माशरा तश्कील पाता है, अमन पसंद माशरा कायम होता है और इससे हमारे जो है वो मुल्क के लोग जो तरक्की करते हैं, हमारा मुल्क आगे बढ़ता है, हम एक कौम की हैसियत से आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से इंसानों से अगर हुस्न सलूक की ताकीद की गई है, ताकीद का मतलब होता है तलकीन करना, किसी को नसीहत करना, उसी तरह से हैवानों से भी हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है। देखें हमारा मज़हब इस्लाम किस कदर जो है वो एक ऐसा मज़हब, अजीम मज़हब है, अजीम जो है वो हमें दर्स दिए जाते हैं कि इंसान तो इंसान, हैवान से भी जो है वो उसने सलूक करने की ताकीद का हुक्म दिया गया है। तो हमें सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि हैवानों से भी जो है वो अच्छा सलूक जो है वो करना चाहिए। चलें जी नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर हमारा 74 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मैं एक पैराग्राफ पढ़ के आपको सुना देती हूँ, उसके बाद हम इस पर तफसीली बात करेंगे कि एक औरत की सिर्फ इस वजह से बख्शिश हो गई कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। इससे एक और वाकया भी हम सामने रखेंगे कि एक तारीखी वाकया है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि एक हवान की आपको किस हद तक जो है वो दुआ मिल सकती है। और ये हकीकत है कि ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3321 जो है वो उससे ली गई है कि अगर एक औरत की बख्शिश सिर्फ इस वजह से हो गई थी कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खिदमत खल्क का बेहतरीन नमूना थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और एक देहाती आया और कहा कि ये मेरा थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ, आप पहले वो कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ मस्जिद से बाहर निकले और इसका काम मुकम्मल करके नमाज अदा की। एक साबी हज़रत हबाब बिन अर्थ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से दूर एक जंग पर गए हुए थे। इनके घर में जानवरों को दूध धोने के लिए कोई मर्द नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ हज़रत हबाब बिन अर्थ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते और उनके जानवरों का दूध धो दिया करते थे। साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी खिदमत खल्क के कामों में दिल खोल कर हिस्सा लेते थे। सबसे पहली क्लास बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी
हमारे लिए मुकम्मल उसवाए हसना है, जिस पर हम चलकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और देखें कि हज़रत सल्लम की वो ज़ात जो उसके लिए पूरी कायनात बनाई गई, जो हर खामी से हर खूब जो है बुराई से पाक थी वो शख्सियत, और जिसको अल्लाह का नबी होने का शर्फ हासिल हुआ, उन्होंने भी जो है वो अपने हमसायों के साथ किस कदर बर्ताव रखा कि अगर वो घर पर नहीं होते थे तो उनका दूध, जानवरों का दूध दोहने के लिए वो वहाँ पर चले जाते थे। तो ये हमारी जो है आप कह सकते हैं कि अखलाकियात का बेहतरीन नमूना जो वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सामने आता है, देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें कि एक जो है वो हज़रत सल्लम की ज़िंदगी जो है हमारे लिए किस कदर बेहतरीन नमूना है कि हम मखलूक की खिदमत करें। और एक दफ़ा क्या हुआ था कि नमाज के लिए आप खड़े हुए, आपने नमाज जो है वो शुरू कर ली थी, लेकिन एक देहाती वहाँ पर आ गया था और कहा कि मेरा थोड़ा सा जो काम है वो बाकी रह गया हो, तो ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ, आप पहले वो कर दें। यानी कि वो जो देहाती शख्स था उसका कोई ऐसा काम रह गया था जो वो कहना चाह रहा था कि पहले आप वो कर दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ छोड़कर, नमाज के लिए खड़े हुए थे, नमाज़ शुरू करने वाले थे, तो इस कदर आपकी जो है वो आला ज़र्फ़ी की बेहतरीन मिसाल हमारे सामने है कि मस्जिद से निकले और इसका काम मुकम्मल करके नमाज अदा की। सुबहान अल्लाह। एक साबी जो हैं वो, जिनका नाम है हज़रत हब्बा बिन अर्थ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने घर से दूर एक जंग पर गए हुए थे। यहाँ पर हमें लोगों के साथ अच्छा रवैया, और बेशक देखें उनके एक साबी थे, ये रिश्तेदार भी नहीं थे, इनके एक दोस्त थे, साबी कहते हैं उस वसलम के साथ जो लोग वक्त गुजारते थे, जो साथ रहते थे, अब वो थे। तो वो जो है वो अगर छोटा सा देखें, दूध धोना जानवरों का जो है वो हमारे लिए तो एक मर्द की हैसियत से हमारे माशरे में क्या समझा जाता है, लेकिन हज़रत सल्लम खुद वहाँ पर जाते और ये काम करके उनको दे कर आते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सब इंसानों के लिए अजीम रोल मॉडल है। अगर हम चाहें तो हम अपनी ज़िंदगियों को आप सल्लम के असूलों के मुताबिक बहसियत मुसलमान, बहसियत उम्मती जो है वो इसको अमल करके आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हमारा माशरा भी जो है वो एक अच्छी उसके अच्छी तरक्की याफ्ता और एक अच्छी कौम के तौर पर साबित करेगा कि हम एक अच्छी कौम है और एक अच्छे मुसलमान हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी खिदमत खल के कामों में दिल खोल कर, अच्छा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से कोई काम करते थे, जिस तरह से कोई बात फरमाते थे, तो सहाबा किराम जो थे वो भी हज़रत वसल्लम के बिल्कुल मनोअन, मतलब बिल्कुल एज़ इट इज़ उनकी बातों पर अमल करते थे और उसको फॉलो करने की हतल इम्कान कोशिश करते थे कि हम आप सल्लम के नक्शे कदम पर चलें। चलें जी, क्लास आगे हमारे पास है जी लास्ट पैराग्राफ, कि हमें अपने हमारे अपने जो माशरे में हम जिसमें रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे हमसाए हैं, हमारे क्लास फेलो हैं, हमारे पास हमें ये भी पता था कि गरीब लोग हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, तो इन सब लोगों का ये सब हुकूकुल इबाद में आता है, और इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी, परिंदों का भी, और जो है वो गर्मियों में परिंदों के लिए घरों में छत पर पानी रखना किस कदर अहम है। तो घरों में जो है वो माँ बाप का हाथ बटाना किस कदर अहम है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। चलें क्लास नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलें जी क्लास, लास्ट पैराग्राफ है, हम इसको तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे कि हमें भी चाहिए कि हम खिदमत खल्क, सबसे पहली बात है क्लास कि हमें अपने घर में अपना रवैया किस तरह से बेहतर करना है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा वालिदैन के हकूक़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि सबसे पहला हकूक़ुल इबाद में वालिदैन का हक अदा करना है, और वालिदैन का हक अदा करके हम जो है वो दुनिया में ही हम अपनी जन्नत को वाजिब कर सकते हैं, अपने ऊपर फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, और रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा कि उससे कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक पर बुढ़ापे को पहुँच गए हैं, तो उनकी खिदमत करके आप दुनिया में ही जन्नत हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे माशरे का लम्हा फ़िक्रिया है जिसके ऊपर हमने सोचना है कि क्या हम इन असूलों को मद्दनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, और
कुरान पाक में शिर्क के बाद जो है वो दूसरा गुनाह जो है अल्लाह ताला ने खुद वालदेन की नाफरमानी रखा है। और इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। अगर हमें पता है कि कोई गरीब है, यतीम है, तो उसकी जो है वो अपने जेब खर्च में से उसकी मदद करनी चाहिए। अपने साथियों की, अपने क्लास फेलोज़ की, अगर आपको कोई पता है कि कोई गरीब है बच्चा, तो उसकी मदद करें। इसी तरह से बेवा ख़वातीन हैं जो घरों के छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करती हैं, उनका भी आप ख्याल रखें। फिर उसके अलावा सिलाब, जलजले या किसी हादसे की वजह से जो लोग मुतासर होते हैं, हमें उस वक्त भी लोगों की मदद करनी चाहिए। भूखे और प्यासे को खाना खिलाना चाहिए। इसी तरह से इंसानों के साथ साथ हमें जानवरों और परिंदों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये भी मोहब्बत के, प्यार के और तवज्जो के जो है वो हकदार होते हैं। गर्मियों में परिंदों के लिए या क्या नाम है, बाजरा या कोई आप पानी रखें घरों में, घरों के छतों पर, ताकि जो है वो परिंदों को भी पानी पीने के लिए जो है वो आसानी दस्तियाब हो। घर के कामों में अपने वालिदैन का हाथ बटाएं, ताकि अल्लाह ताला जो है वो हम सब से राज़ी हो और हम एक बेहतरीन जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें, और अपने आप को भी सुकून में, तसल्ली में जो है वो डालें, और बाकी लोगों को भी इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा हासिल हो। चलें जी, इसी अच्छी बात के साथ कि हम एक जो है वो इंसान तो इंसान जानवर से भी जो है वो दुआ लेकर हम अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से एक अजीम बादशाह थे सबकतगीन, जो एक जो अफ़गानिस्तान के बादशाह थे, उन्होंने एक हिरनी से दुआ ली थी कि उसका बच्चा जो है वो उन्होंने शिकार के दौरान पकड़ लिया था। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हिरनी जो है वो पीछे पीछे उनके आ रही है, तो उन्होंने हिरनी के बच्चे को छोड़ दिया था। तो उसी रात को उनको एक फरिश्ता ख्वाब में। जी स्टूडेंट्स, हमने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द हर चीज़ का ख्याल रखते हुए, खिदमत खल्क के जज्बे को परवान चढ़ाते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, ताकि जो है वो आने वाले वक्त में हम अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, बेशक छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, उसको कर सकें। और घर में भी अपने माँ बाप का हाथ बटाते हुए अल्लाह ताला को राज़ी करें, और सैलाब, जलजले या किसी हादसे के मौके पर भी हम दूसरों की मदद करें। क्लास आपने एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपने अपने जो है वो किसी ऐसे वाक़े के बारे में लिखना है जिसमें आपने किसी की मदद की हो और फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई हो। तो इस तरह से आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है और अपनी एक्टिविटी को लाजमी लिखना है। इसमें पूरा वाक़या लिखना है और इस वाक़े से आपने क्या महसूस किया, क्या आपको फ़ायदा हुआ, किस तरह से आपको दिली खुशी हासिल हुई, ये भी आपने बताना है। अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। ओके जी क्लास, ये जो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, इन पर आपने अमल करना है और बहुत अच्छे इंसान बनना है। ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।